बड़े सुपरस्टार सेलेब या बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बेबी होता है तो अक्सर सभी जनता और उनके फैन फॉलोइंग्स और सपोर्टर्स के देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं कि उनका बेबी आखिर है कैसे। सारे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी तरह कई बॉलीवुड कपल्स की बात करें तो चाहे वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हो, चाहे वो विराट कोहली या अनुष्का शर्मा हो, इन सभी के जब भी बेबीज हुए तो लोग और फैंस उन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी पेरेंट्स बने हैं। दीपिका ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनके फैंस उनकी बेबी गर्ल को देखना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि सारे फैंस इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। पर खबरें ऐसी आ रही हैं कि दीपिका और रणवीर अपने बेबी गर्ल का चेहरा जल्दी रिवील नहीं करने वाले। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी बेटी की परवरिश के लिए अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट की राह पर चलेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो वो अपनी बेटी का चेहरा जल्दी रिवील नहीं करने वाले। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों अपना पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने 8 सितंबर को एक बेटी को जन्म दिया। दीपिका पादुकोण 7 सितंबर को ही अस्पताल में एडमिट हुई थी और अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई। इस बीच दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर खबर आ रही है कि कपल ने अपनी बच्ची की परवरिश के लिए खास पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी बेटी की परवरिश के लिए अनुष्का शर्मा और आलिया रणबीर की राह पर चलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपल वामिका और राहा की तरह अपनी बेटी के लिए भी नो फोटो पॉलिसी अपनाएंगे। वो सही समय आने तक अपनी बेटी का चेहरा दुनिया के सामने रिवील नहीं करेंगे। वही बता दें कि अनुष्का शर्मा ने अभी तक अपने बच्चों का चेहरा मीडिया के सामने रिवील नहीं किया। वही आपको ये भी बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी काफी समय तक राहा का चेहरा रिवील नहीं किया था। इसी तरह दीपिका रणवीर भी अपनी बेटी को मीडिया से बचा के रखेंगे। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बिना नैनी के अपनी बेटी की परवरिश करेंगे। दीपिका और रणवीर ने अपनी लाडली को पूरा वक्त देने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने अपने काम से ब्रेक भी ले लिया है। बता दें कि दीपिका अभी भी अस्पताल में ही है। ऐसे में बीती रात यानी कल रणवीर सिंह की फैमिली अपनी बहू और लाडली का हाल जानने एचएन हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। इससे पहले शाहरुख खान ने भी अस्पताल जाकर दीपिका की तबीयत का जायजा लिया था। बात करें दीपिका के वर्क फ्रंट की तो दीपिका पादुकोण आखिरी बार फिल्म कल्कि 28980 में नजर आई थी। उनकी अगली फिल्म सिंघम अगेन है जो दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है। वहीं रणवीर सिंह भी रोहित शेट्टी की इस फिल्म में सिम्बा अवतार में दिखाई देने वाले हैं। पर फिलहाल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने पेरेंटहुड को एंजॉय करने वाले हैं। अगले काफी समय तक दीपिका ने अपने सारे कामों को और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके अपनी बेटी पर फोकस करने का फैसला लिया है और रणवीर सिंह भी इसमें उनका पूरा साथ देने वाले हैं। पर दीपिका और रणवीर की इस बेटी का चेहरा देखने के लिए उनके फैंस और फॉलोइंग्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। पर शायद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी अपनी पर्सनल लाइफ को महत्व देते हुए नो फोटो पॉलिसी को अपनाने वाले हैं। अब जानना ये काफी दिलचस्प होगा कि दीपिका और रणवीर अपनी बेटी का चेहरा कब रिवील करते हैं और इसको लेकर आपका क्या कुछ मानना है और कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड की हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।